नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। शुरू करते हैं 150 गांव 150 खबर, खबरें गांव की देखते हैं। बिहार शरीफ प्रखंड के सोहसराय के खासगंज के दुर्गा मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। नालंदा के बिहार शरीफ में एसडी मेमोरियल स्कूल का 7वां वार्षिकोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए, जिसका लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। बिहार शरीफ प्रखंड में किसी भी आपदा से निपटने के लिए सदर अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों और एएनएम के बीच मॉक ड्रिल किया गया। इस मौके पर सिविल सर्जन ने कहा कि आपदा से निपटने के लिए तैयारी जरूरी है। बिहार शरीफ में मॉडर्न पब्लिक स्कूल का उद्घाटन महापौर वीणा कुमारी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस विद्यालय में बच्चों को न्यूनतम मूल्य पर बेहतर शिक्षा दी जाती है। नूरसराय प्रखंड में पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से मिशन हरियाली ने पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली, जिसमें भारी तादाद में स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। रैली में शामिल छात्र छात्राओं ने हाथों में पर्यावरण बचाओ के स्लोगन लिखे तख्ती को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण किया। नालंदा में जिला पत्रकार संघ का जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें हिलसा, राजगीर और बिहार शरीफ अनुमंडल के पत्रकारों ने भाग लिया। कदवा प्रखंड के कुम्हाड़ी मैदान में 2 दिवसीय कृषि यांत्रिक मेले का शुभारंभ हुआ। खान भूतत्व मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री ने इसका उद्घाटन किया। मनिहारी प्रखंड में गंगा पुल निर्माण संघर्ष समिति की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता बिहार प्रदेश अध्यक्ष अंगद ठाकुर ने की। समिति ने गंगा पुल का निर्माण जल्द से जल्द कराने की मांग की। बारसोई प्रखंड में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 42 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस मौके पर अनुमंडल अधिकारी और विधायक ने बच्चों की हौसला अफजाई की। हसनगंज प्रखंड में दुकानदारों के लिए सिक्का मुसीबत बन गया है। दरअसल थोक विक्रेता खुदरा विक्रेताओं से सिक्के नहीं लेते, इससे उन्हें परेशानी होती है। फलका प्रखंड के सालेहपुर में मुशायरा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जन क्रांति पार्टी के जिला प्रभारी ने शायरों को सम्मानित किया। कुरसेला प्रखंड के दक्षिणी मुरादपुर पंचायत में 9 दिवसीय श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। बांका जिले के बंधुआ कुराबा थाना इलाके के फागा गांव में छेड़खानी के मामले में आरोपी प्रकाश झा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बांका के कटोरिया प्रखंड और चांदन प्रखंड में कई सालों से रेशम की खेती हो रही है, लेकिन सरकार की उदासीनता के चलते रेशम किसान बर्बाद हो रहे हैं। बांका के कटोरिया थाना इलाके के छाताकुरुम गांव में एक शख्स की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। दरौधा प्रखंड के ब्राइट कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल विशंभरपुर में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए, जिसका लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। दरौधा प्रखंड के हटसर गांव में सड़क जर्जर हो जाने की वजह से लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर सड़क बनाने की मांग की। गुठनी प्रखंड में स्वच्छता और दहेज प्रथा को लेकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से लोगों को सामाजिक कुरीतियों के लिए जागरूक किया गया। मुंगेर के खड़गपुर के श्यामपुर थाना इलाके के ऋषिकुंड में अपराधियों ने एक बाइक लूटकर भागने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने बदमाशों को पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई की। मुंगेर के खड़गपुर में कृषि यांत्रिकीकरण और उत्पाद मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ बीडीओ, जिला परिषद सदस्य, प्रखंड प्रमुख, बीएओ ने संयुक्त रूप से किया। आयोजन को संबोधित करते हुए डीएओ महेश कुमार ने कहा कि अनुदानित राशि पर नई तकनीक से किसानों को खेती के लिए यंत्र दिए जा रहे हैं, जिसका 50% राशि सीधे किसानों के खाते में जा रहा है। मुंगेर के संग्रामपुर में 10 मार्च को होने वाले 2 दिवसीय वैश्य सभा कार्यक्रम को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सती स्थान में शिक्षण संस्थान खोलने पर चर्चा हुई। मुंगेर के टेटिया बंबर प्रखंड के वीडियो ने गंगटा पंचायत में महादलितों के बीच बांस गीत पर्चे के वितरण की बात कही है। वीडियो ने कहा है कि सरकार नक्सल प्रभावित इलाकों के विकास के लिए प्रयासरत है। मुंगेर में सामाजिक संस्था दया सोसाइटी ने पॉलीथीन का बहिष्कार करने के मकसद से जागरूकता रैली निकाली और लोगों से पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की। पूर्णिया के कोठी प्रखंड में विकास अधिकारी ने प्रखंड के सभी कार्यालयों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं।
पूर्णिया के मुफस्सिल थाना इलाके से पुलिस ने दो फरार वारंटियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों की कई दिनों से तलाश हो रही थी। पुलिस ने बताया कि दुगनिया गांव से आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। पूर्णिया के पूर्व प्रखंड के मधुबनी ओपी थाना इलाके में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। इसके बाद एक ने दूसरे पक्ष पर गोली चला दी। हालांकि पुलिस का कहना है कि गोली नहीं चलाई गई। पूर्णिया के मधुबनी से चाइल्ड लाइन और पुलिस ने तीन बाल मजदूरों को मुक्त कराया है। बाल मजदूरों से काम कराने वाले दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला गया। मशरक में एसएच 90 पर सड़क हादसे में बाइक सवार तीन लोग घायल हो गए। स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद एक घायल को पटना के पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। गरखा प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में शिक्षकों ने तिरंगे के नीचे बार बालाओं से अश्लील डांस करवाया है, जिसका वीडियो वायरल होने पर शिक्षकों पर डीओ ने कार्रवाई करने की बात की। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूड़ी ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय होने के लिए सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से जुड़ने की अपील की। मशरक के सिपाही गांव से एक सप्ताह पहले चोरी किए गए ट्रैक्टर को पुलिस ने बरामद कर लिया। इसवापुर मशरक में महीनों पहले ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक ट्रक को जब्त नहीं किया है, जिसके चलते ट्रक सड़क पर लावारिस हालत में पड़ा है। डुमरा प्रखंड में रसलपुर पंचायत के मांझी टोले में दर्जनों परिवार इंदिरा आवास से वंचित हैं। बस्ती वालों का आरोप है कि पंचायत के मुखिया इस टोले से सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। नानपुर प्रखंड के डोरपुर गांव में डीलरों की मनमानी से लोग परेशान हैं। यहां वक्त पर राशन और किरासन का वितरण नहीं किया जाता। शिकायत के बाद भी डीलर पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। सोनवर्षा प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय में कर्मचारियों की मनमानी से लोग खासे परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कर्मचारियों की मनमानी से उनका कोई काम समय पर नहीं हो पाता। रून्नी सैदपुर प्रखंड के जगदीशा गांव में पक्की सड़क नहीं है, जिसकी वजह से लोग कच्ची सड़क पर चलने को मजबूर हैं। सड़क नहीं बनने से लोग जनप्रतिनिधियों से खासे नाराज हैं। जाले प्रखंड इलाके के कमतौल में पोखरे में डूबने से एक नाबालिग लड़के की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। केवटी प्रखंड के सीएचसी में तैनात 5 एएनएम को स्वास्थ्य सेवा और आरआई में उत्तम कार्य करने के लिए बीडीओ और सीओ ने पुरस्कार दिए। बेनीपुर प्रखंड के मानस इंटीग्रेशनल स्कूल में वार्षिकोत्सव के अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया, जिसका लोगों ने खूब लुत्फ उठाया। बिरौल प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास निर्माण को लेकर बीडीओ रजत किशोर सिंह ने लाभार्थी का भूमि पूजन कराया। कुशेश्वर स्थान में सरकार की कोशिश के बावजूद विदेशी मेहमान पक्षियों का शिकार नहीं रुक रहा है। ऐसे शिकारियों को पकड़ना भी प्रशासन के लिए चुनौती है। केवटी प्रखंड में शीतलहर का कहर जारी है, जिससे जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। शीतलहर के कारण लोगों का घरों से निकलना मुहाल है। सदर प्रखंड में दिल्ली मोड़ से लेकर बागमर मोड़ तक आए दिन जाम लगा रहता है, जिससे लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। जाले प्रखंड में फिल्म पद्मावत के खिलाफ क्षत्रिय महासभा ने जोगियार गांव में संजय लीला भंसाली का पुतला दहन किया। जाले रेफरल अस्पताल और थाना के मुख्य द्वार पर दबंगों ने अतिक्रमण कर वहां तबेला बना दिया है, लेकिन पुलिस प्रशासन इसे लेकर मौन धारण किए हुए हैं। केवटी प्रखंड में बीडीओ तौकीर हाशमी और सीओ संतोष कुमार सुमन ने पत्रकारों को सम्मानित किया। कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के केवट गामा पंचायत के मुखिया आलोक कुमार ने बच्चों को वॉलीबॉल का वितरण किया। सराय रंजन प्रखंड के बरहम बाना गांव में शतचंडी यज्ञ और भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सराय रंजन प्रखंड के नववाचक पंचायत के सांसद और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष नित्यानंद राय ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जन सहयोग से आदर्श ग्राम का सपना साकार होगा। विभूतिपुर प्रखंड के पीएचसी का हाल इन दिनों बदहाल है। पीएचसी में आने वाले मरीजों को दवा बाहर से खरीदनी पड़ रही है, तो अस्पताल में मरीजों को मिलने वाला भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। समस्तीपुर के बिथान थाना इलाके के सिंहमा गांव के अपराधियों ने पंचायत की मुखिया उर्मिला देवी के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी।
समस्तीपुर के दलसिंह सराय प्रखंड के डैनी चौक पर दबंगों ने महादलित परिवार की झोपड़ी को उजाड़ने और कैंपों को क्षतिग्रस्त किए जाने के बाद झड़प हो गई। घटना से नाराज एक पक्ष के लोगों ने एनएच 28 को जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने लोगों को कार्रवाई का भरोसा दिलाया। जोकीहाट प्रखंड के तारण बलुआ में विधायक सरफराज आलम ने सड़क का शिलान्यास किया। सड़क बन जाने के बाद लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। अररिया प्रखंड के दुर्गा बाजार में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के मन की बात रेडियो पर सुनी। इस मौके पर जिलाध्यक्ष संतोष सुराना भी मौजूद रहे। जोकीहाट प्रखंड के विधायक सरफराज आलम ने एकीकृत विज्ञान प्रयोगशाला और आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए बनने वाले कमरे का शिलान्यास किया। अररिया में जन जागरण शक्ति संगठन के लोगों ने एक बैठक कर सरकार पर उपेक्षा के आरोप लगाए। संगठन के लोगों ने कहा कि आगामी लोकसभा उपचुनाव में गांव-गांव जाकर सरकार की नाकामियां बताएंगे। मुजफ्फरपुर में बोचहा प्रखंड के पटियासा पंचायत को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है। जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने इसकी घोषणा की। मुजफ्फरपुर में बोचहा प्रखंड के भुताने गांव में देवी जागरण का आयोजन किया गया। इस दौरान देवी देवताओं ने कई झांकियां पेश की। मुजफ्फरपुर में बोचहा प्रखंड में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें पहला स्थान हासिल करने वाली छात्रा को विधायक ने पुरस्कार दिए। मुजफ्फरपुर के कोहनी प्रखंड के मोलमा गांव में 10 दिवसीय विष्णु यज्ञ का आयोजन किया गया। प्रवचन का भी आयोजन हुआ जिसमें भारी तादाद में श्रद्धालु शामिल हुए। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय से आई 2 सदस्यों की टीम ने विकास कार्यों का मूल्यांकन किया। मुजफ्फरपुर में सकरा प्रखंड के मोहम्मदपुर बनवारी में क्रिकेट मैच का आयोजन किया। फारबिसगंज के भरगामा में बीजेपी जिलाध्यक्ष संतोष सुराणा समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। फारबिसगंज के रामपुर में एनएसयूआई जिलाध्यक्ष मुमताज शेख ने बिलाल अली को एनएसयूआई के सोशल मीडिया का प्रदेश प्रभारी बनाए जाने पर खुशी जताई। कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जताई है कि बिलाल अली को प्रदेश प्रभारी बनाए जाने के बाद एनएसयूआई छात्रहित से जुड़े मुद्दों को और मजबूती से उठाएगी। फारबिसगंज के सदर में आयोजित T20 मैच के फाइनल मुकाबला वाराणसी बनाम सुपरनोवा के बीच खेला गया। फारबिसगंज में जागरण कल्याण भारती ने सरस्वती पूजा सम्मान समारोह का आयोजन किया। सिगोड़ी थाना के कोधरी गांव में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने भारी मात्रा में गांजे का पौधा बरामद किया है और पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया। पालीगंज के SH2 के सरसी गांव में पुलिस ने वाहन लूट की एक कोशिश को नाकाम कर दिया। पिकअप वैन लूटने के दौरान ही पुलिस मौके पर पहुंची। बांका के बंधुआ कुराबा के गढ़ाजोर गांव में पुलिस ने 2 आदिवासी युवकों को शराब पीते हुए गिरफ्तार कर लिया। पटना सोनहर और विभिन्न समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने किसान सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें 26 फरवरी से आंदोलन करने का फैसला लिया गया। सम्मेलन में सरकार से पटना सोन कैनाल में अंतिम छोर तक निर्बाध पानी पहुंचाने, जलाशय महाजनी और बैंक कर्ज माफ करने की मांग की गई। दुल्हिन बाजार से शराब के नशे में धुत होकर हंगामा कर रहे एक शख्स को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। रामगढ़वा प्रखंड के गोला रोड में बिजली के तार में अचानक आग लग गई जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। वन कटवा प्रखंड में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें संगठन का विस्तार किया गया। इस मौके पर सभी शिक्षकों ने समान काम और समान वेतन के मुद्दे पर सरकार से लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया। कोटवा प्रखंड में एक तरफ मरीजों को देने के लिए दवा ही नहीं होती है, दूसरी तरफ भारी मात्रा में एक्सपायरी दवाओं को जलाया जा रहा है। तितरिया प्रखंड में 2016 में नामांकन पत्र में साक्ष्य छिपाने के आरोप में राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर जिलाधिकारी ने BDO को मुखिया के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया। दरअसल प्रमोद कुमार यादव ने मुखिया अशोक राय के
राय पर नामांकन पत्र में जन्मतिथि आवासीय पता की गलत सूचना देने का आरोप लगाया था। रक्सौल पीएचसी के प्रांगण में पोलियो मुक्त समाज बनाने को लेकर एक बैठक का यूनिसेफ ने आयोजन किया। इस मौके पर एक जागरूकता रैली भी निकाली गई। रैली के माध्यम से लोगों को पोलियो से बचाव के लिए जागरूक किया गया। इस अभियान में लोगों से अपील की गई है कि पोलियो खुराक में एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। ढाका प्रखंड में शुरू होने वाली पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। इसे लेकर कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्राओं ने रैली निकाली। इस मौके पर चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि पोलियो उन्मूलन अभियान को सफल बनाने को लेकर 122 टीम बनाई गई है। अरेराज प्रखंड के पहाड़पुर पूर्वी सिसवा पंचायत में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत नल जल योजना शुभारंभ विधायक राजू तिवारी ने किया। मेहसी प्रखंड के परसौनी पंचायत के देवजीत गांव में जिला अधिकारी ने ग्रामीणों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया। ढाका प्रखंड में परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ ने संगठन विस्तार को लेकर एक बैठक की। बैठक में सर्वसम्मति से नीलमणि सुमन को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। जिलाध्यक्ष ने निर्वाचित अध्यक्ष को माला पहनाकर अपने दायित्व को निरंतर निभाने की शुभकामनाएं दी। बेगूसराय के नावकोठी में बूढ़ी गंडक नदी में दो शव बरामद किए गए हैं। शव एक छोटे बच्चे और एक युवक का था। बेगूसराय के फुलवरिया थाना के मालती गांव में अपराधियों ने एक बुजुर्ग की हत्या कर दी और शव को सरसों के खेत में फेंक दिया। बेगूसराय में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि महिला ने अपने साथ जबरदस्ती होने पर विरोध किया था। महिला के साथ गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म करने की कोशिश की। इस वारदात के बाद लोगों में गुस्सा है। लखीसराय के खगौर गांव में अपराधियों ने रिटायर्ड फौजी रामविलास यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने वारदात को तब अंजाम दिया जब रामविलास अपने घर के पास खड़े थे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरभंगा के शिवाजी नगर में पुलिस ने छापेमारी कर नाव में रखी 6 बोरी शराब बरामद की। पुलिस ने इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। वैशाली के राघुपुर में एक साधु की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भोजपुर जिले के मुफस्सिल थाना इलाके के छोटकी सनदिया गांव में एक परिवार को दबंगों ने खेत से मिट्टी ले जाने पर जमकर पीटा।